अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की एपिसोड के अंदर हम आपको कुछ इस तरीके की एडिटिंग सिखाने वाले हैं जैसे आपने शुरू में देख ली है। इस तरीके की एडिटिंग करके भाई आप टिकटॉक स्नैप के ऊपर भाई फेमस हो सकते हैं। इस तरीके का कोई टैलेंट किसी बंदे के पास नहीं है जो वो स्नैक के ऊपर लेकर आए, लेकिन आपका दोस्त आज आपको सिखाने जा रहा हो कुछ इस तरीके की मैजिक एडिटिंग के लिए। एक चैनल आपका भाई ने खोल लिया है जिसके ऊपर ये मैजिक एडिटिंग सिखाएगा। भाई आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि डेली की वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से शूट करना है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। वीडियोस को जिस तरीके से शूट करना है वो मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। कुछ आपने इस तरीके से शूट कर लेना है। पहले कुछ इस तरीके का खाली पार्ट रख देना है, जिसका ये क्यों रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ इस तरीके का खाली पार्ट आपने ज़रूर रख देना है। और अभी प्ले करके देख लेते हैं, ये उड़ने की एक्टिंग कर रहा है। बस आपके पास दोस्तों कैंड मास्टर एप्लीकेशन होना लाजमी है और साथ पिक्स आर्ट नाम की एप्लीकेशन भी होना लाजमी है। अगर आपके पास नहीं है तो जाएं प्ले स्टोर के ऊपर, जाकर सर्च करना कैंड मास्टर, तो भाई आपको कैंड मास्टर मिल जाएगी जो वीडियो एडिटिंग के लिए होते हैं, जिसके इंटरफेस आप देख सकते हैं अंदर। और पिक्स आर्ट लिखेंगे तो भाई आपको वो भी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना। दोस्तों जो आपने वीडियो शूट की है वो आकर कैंड मास्टर को ओपन करना है और प्लस के आइकन के क्लिक करके आप यूट्यूब के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर टिकटॉक के लिए ये वाला, मैं दोस्तों आपको टिकटॉक के लिए बता रहा हूँ, तो टिकटॉक ओपन करूँगा और अब मैं एक बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ। और वो वीडियो ले आते हैं ज़रा, जिसके अंदर ये दोस्तों वो वीडियो है और जो मैं खाली पार्ट आपसे कहा था इसके आपने इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके ऊपर कैप्चर एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, जी आप एक छोटी सी तस्वीर बन जाएगी। और अब इसका आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और दोस्तों जो इधर उड़ने की एक्टिंग कर रहा है इसका भी एक कैप्चर ले लेना है। कैप्चर लेकर आपने इस वीडियो को थोड़े से सेटिंग और कर लेते हैं ज़रा। इधर सेटिंग, इधर एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके इसे गैलरी में सेव कर लेते हैं और बाद वाला काम आपको आगे मैं समझाता हूँ। आपने उस पिक चार्ट को ओपन करना है ये मैंने वैसे ली थी जल्दी में, अच्छा नहीं आया था। हम ज़रा बस इसी को भी कर लेते हैं भाई, आपको समझा भी देता हूँ। उसी आपने इस कैप्चर को ले लेना है इधर आपने इस तरीके से कर लेना है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके के कर लेना है। ये इतना अच्छा कैप्चर नहीं आया था और दोस्तों आपने आपको समझाने के लिए कर रहा, लेकिन आपने अच्छे से कर लेना। इसके ऊपर मैं ज़रा इस फेर देता हूँ। अब इसके ऊपर ज़रा ध्यान से करते हैं,
दोस्तों आपने बिल्कुल एकदम से परफेक्ट करना है। मैं आपको जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, आपने ध्यान से करना है। मेरी इतनी अच्छी नहीं बनेगी, बस आपने तरीका समझ लेना है और जाकर खुद बना लेना है। इस तरीके से आपने करके सर डाउनलोड वाला आइकन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने। ये आपकी गैलरी में आ जाएगी और फिर आपने जाना है कैड मास्टर के ऊपर। फिर से आपने वैसे सेलेक्ट कर देना है और बैकग्राउंड के ऊपर आपने वही कैप्चर जो आपने लिया है उसी कैप्चर को सिलेक्ट कर देना है। नहीं ज़रा अच्छा ये नहीं आ रहा कैप्चर। ये रहा हमारा कैप्चर। आपने इसे लेकर लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, जो एक्सपोर्ट किए वीडियो उसको ले आना है। इधर ज़रा इसके ऊपर क्लिक करके और इधर कटर में जाना है, ट्रेन टू लेफ्ट कर देना है। सेव के ऊपर हाथ लग कर इधर फीचर कर देना है। यहाँ दोस्तों ये एक्टिव, ज़रा इसके बाद अगले वाला पार्ट को थोड़ा कट कर देते हैं। दोस्तों आपने परफेक्ट कर देना है और अब वो चले आने लेयर पे जाना है, मीडिया में जाना है, जो आपने बैकग्राउंड जिसका रिमूव किया है। बड़ी करके दोस्तों बिल्कुल मेरी इतनी अच्छा नहीं बन रहा, ये आपने ध्यान से और अच्छी तरीके से इसे मैनेज कर लेना है। यहाँ से जो पिछली वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पे से आपने इसके ऊपर हाथ रख देना है। ये भी चल रही है, ये देखिए, और आपने इसे पकड़ कर इसे ऊपर ले आना है। और उधर आपको एक की का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक और इधर से प्लस के ऊपर क्लिक करके मनफी पर कर देना है और इधर ज़रा इसे ऊपर करके छोड़ देना है। इधर ऊपर लग कर इधर आपने जम्मा के ऊपर क्लिक करके नीचे इधर से लगा देना है और इधर ज़रा छोटा भी कर देने से। इस तरीके से आपने दोस्तों इसे उड़ा देना है। ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके कटर में जाकर ट्रेन टू राइट कर देना है। भाई आपकी वीडियो एकदम से बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। मेरी दोस्तों अच्छी नहीं बनी क्योंकि भाई मैं जल्दी में कर रहा था। भाई ये देखो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है वीडियो। आप इसे एक्सपोर्ट करके किसी भी आप
टिकटॉक के स्नैप के ऊपर आप पब्लिश कर सकते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भी पब्लिश कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक कर दें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।